नमस्कार, कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं उप यादव, रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करता है और आप सभी को पता है कि हम हर रोज़ कोई ना कोई एक नई अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो अपडेट है दोस्तों, आपकी नेशनल ओपन यानी कि NIOS के जितने भी छात्र हैं उनके लिए इस अपडेट्स को लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पता नहीं इस बारे में जानकारी है या नहीं है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी हो, आपने अभी UG के अंदर एडमिशन नहीं लिया है। अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज होते हैं उससे डाउन यानी कि आप मैट्रिक पास करने के बाद प्लस टू के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि UG और PG यानी कि BA BSc BCOM में MSc और अन्य जितने भी कोर्स हैं, BEd वगैरह वगैरह, उन सभी को प्रमोट कर दिया गया था। तो इसको लेकर जो CBSE के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों उनको भी यानी कि जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, और अब पुरानी जो परीक्षाएं ली गई थी उनके इंटरनल या प्रैक्टिकल्स के आधार पर उन विद्यार्थियों को अब प्रमोट किया जाएगा, बिना परीक्षा के उनको पास किया जाएगा। तो दोस्तों, अब ऐसा जो कोरोना का हालात है उस हालात में नेशनल ओपन यानी कि NIOS नोएडा की तरफ से जो कंडक्ट किया जाता है दोस्तों, उसके एग्जाम्स अब आपके नहीं होने वाले हैं, और ये अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट दे रहा हूं, आपके पास अपडेट पहुंचा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि COVID-19 का जो दौर है वह काफ़ी खतरनाक चल रहा है। दिन प्रतिदिन 17,000 से 18,000 के आसपास केस आने स्टार्ट हो गए हैं, और नेशनल ओपन की जो परीक्षाएं हैं दोस्तों 17 जुलाई से स्टार्ट होने की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब आपकी जो एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे, ये क्लियर हो चुका है, और एक दो दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत उसकी सूचना दूंगा। अब दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में प्रैक्टिकल्स यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिकल्स रह गई थी, तो उन प्रैक्टिकल्स का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है। और उस शेड्यूल के अनुसार आप जो भी जहां भी आपका प्रैक्टिकल का सेंटर बनाया गया है वहां आप संपर्क जरूर करके अपनी प्रैक्टिकल करा दे। असाइनमेंट का समय जा चुका है, असाइनमेंट आपने सबमिट करवा दी होंगी। अब दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि NIOS ओपन के जितने भी छात्र हैं उन सभी को उसके अनुसार कुछ पहले प्रैक्टिकल्स होली उनके अनुसार, और जो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स थे दोस्तों उनके हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि अब आपकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। जितने भी रिपेयर के छात्र हैं उनको भी दोस्तों प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स की वैल्यू रहेगी उसके अंदर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। COVID-19 ने खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, कोई भी ये नहीं चाहता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र संघ होता है, जितने भी छात्र लोग होते हैं उनको कोरोना से बचाने के लिए यानी कि लॉकडाउन जब स्टार्ट किया गया था उसके 1 सप्ताह पहले से ही कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी गई थी और सब संस्थाएं बंद कर दी गई थी। आज 3.5 से 4 महीने का समय हो गया है, लॉकडाउन के 2-3 सत्र भी निकल चुके हैं दोस्तों, और तब तक भी कॉलेज की जो कक्षाएं हैं या फिर स्कूल हैं सभी को ओपन नहीं किया गया है। और भविष्य में आज मुझे अपडेट मिल रही थी कि 31 जुलाई तक जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने स्कूल खोलने से मना कर दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अब ये मानना बहुत ही मतलब कि मुश्किल है कि बच्चों की कक्षाएं कब स्टार्ट होंगी। अगस्त का नाम सुनने में आ रहा है, जबकि सुनने में यह आ रहा है कि नवंबर तो कोरोना का सबसे पीक टाइम रहेगा, सबसे खतरनाक टाइम रहेगा नवंबर में, क्योंकि उस दौरान भारत देश में सर्दियों का माहौल हो जाता है और सर्दी के अंदर कोरोना ज़्यादा अपनी पकड़ बनाने की बात सुनने में आ रही है। जैसे कि हम विदेश की बात करें, अमेरिका की बात करें दोस्तों, और काफ़ी सारे देश हैं, रूस की बात करें, तो वहाँ के जितने विशेषज्ञ हैं वो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये ज़रूर सुनने में आया था कि रामदेव ने कुछ दवाई तैयार कर ली है COVID-19 की, पर दोस्तों उसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं सॉरी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी, उसके प्रचार पर भी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसको पहले साइंटिफिक टेस्ट करेंगे, पहले अच्छे से इसके ऊपर स्टडी करेंगे, यदि वास्तव में ये सही कारगर सिद्ध हुआ तो ज़रूर हम अपने पेशेंट्स के ऊपर इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब आप इस बात को मैं यहीं तक आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल ओपन NIOS कि जितने भी छात्र हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, आप अपने प्रैक्टिकल और असाइनमेंट जरूर सबमिट करवा दें अपने कॉलेज से, अपने स्टडी सेंटर से,
जरूर एक बार बात कर लें, जिसके थ्रू भी आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाया था। तो दोस्तों कोई नई ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएगी तो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और आप एक जो ऑफिशियल ये CBSE की तरफ से जारी किया गया नोटिस है कि CBSE के जितने भी छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है और परीक्षाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों जब CBSE की परीक्षाएं नहीं होंगी तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की भी परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये जो बोर्ड काम करता है ये सभी कार्य मैं कहूँगा कि CBSE के जैसे ही बिहेव पे करता है। CBSE जहाँ एग्जाम सेंटर बनाता है वही एग्जाम सेंटर्स बनाते हैं, CBSE के शेड्यूल पे काम करते हैं। CBSE मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम्स लेता है, ये इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये कार्य करते हैं। और भविष्य में नेशनल ओपन से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी दोस्तों तो आपके साथ उस अपडेट को शेयर करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। कोई भी नई नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड आती है तो तुरंत प्रभाव से हमारा यूट्यूब चैनल उसको अपलोड करता है, और भविष्य में भी हम इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।